MSI को जो लोग जानते हैं उन्हें पता है कि MSI के जो लैपटॉप होते हैं गेमिंग के लिए खासकर जाने जाते हैं और काफी यहाँ पर जो महंगे लैपटॉप भी होते हैं। तो अगर आपको प्लान है 30 से 70 हज़ार रुपए में कोई लैपटॉप बाय करने का तो इस वीडियो को जरूर से देखना। इस वीडियो में एक लैपटॉप ऐसा है जो आपको अंडर 70,000 रुपीज में RTX 3050 का ग्राफिक कार्ड भी देता है। तो इससे पहले आसूस और एसर के अंदर हमने वीडियो बनाई है, अगर आपको देखनी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगा, आप वहां से आईडी लगा सकते हो। अगर आपका बजट है इस अराउंड 30 से 70 हज़ार तो कौन कौन से बेस्ट लैपटॉप है, आसूस, एसर और आज हम बात करेंगे एमएसआई के ऊपर, तो आपको आईडिया जाएगा कौन सा लैपटॉप आपको बाय करना है। तो मेरा नाम है प्रवीण और चैनल का नाम है विधि टेक, ऐसी वीडियो चैनल पर आती रहती है तो फटाफट से चैनल को कर दो सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर दो लाइक। तो जैसे कि मैंने आपको बताया एमएसआई के जो लैपटॉप है थोड़ा सा महंगे हैं, अदर ब्रांड का कंपेयर करोगे तो यहाँ पर थोड़ा सा महंगे बट काफी अच्छे स्पेक्स के साथ आते हैं। तो पहला जो लैपटॉप है वो है MSI Modern 14, इसे आप बाय कर सकते हो 42,990 का। तो चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आपको एक ऐसा लैपटॉप बाय करना है जो थोड़ा हाई परफॉर्मेंस हो जिसमें आप मल्टीटास्किंग जो आसानी से कर पाओ, तो इस लैपटॉप में आप आसानी से कर पाओगे। इस लैपटॉप में आपको मिलता है राइजन 5000 सीरीज का यहाँ पर प्रोसेसर है, 6 कोर और 12 थ्रेड वाला ये प्रोसेसर है, तो एक पावरफुल प्रोसेसर आपको मिल जाता है जिसमें आप आसानी से, अगर आप स्टूडेंट भी हो, मल्टीटास्किंग करनी हो, फोटोशॉप यूज करना है, आसानी से इस प्रोसेसर के साथ आप कर सकते हो। बाकी अगर बात करें 8 GB रैम, 512 GB की SSD, 14 इंच की यहाँ पर FHD डिस्प्ले है, Wi-Fi 6 है, Bluetooth 5 है, रेडियन का ग्राफिक कार्ड मिल जाएगा साथ में, बैकलाइट आपको यहाँ पर कीबोर्ड मिल जाएगा और 1.3 kg के यहाँ पर वेट है। एक और चीज़ आपको यहाँ पर बता दूँ, इसमें आपको एल्युमिनियम चेसी मिल जाती है, तो ये लाइट वेट लैपटॉप के साथ जो है अच्छी ड्यूरेबिलिटी के साथ आता है। तो प्राइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको बेस्ट स्पेक्स, बेस्ट बिल्ड यहाँ पर मिल जाती है। बाकी अगर आपको इसके अलावा कोई ऑप्शन आपके पास है इस प्राइस रेंज में तो नीचे जो है कमेंट में जरूर से डाल देना। तो अगला यहाँ पर लैपटॉप है MSI का मॉडर्न 15, इसे आप बाय कर सकते हो 52,990 का। इसके अगर स्पेक्स की बात करें तो AMD का राइजन 7 आपको मिल जाएगा 5000 सीरीज का, ये जो प्रोसेसर है 8 कोर और 16 थ्रेड वाला ही आपको एक पावरफुल यहाँ पर प्रोसेसर मिल जाएगा। बाकी स्पेक्स की अगर बात करें 8 GB की रैम है, 512 GB की SSD है, 15.6 इंच की यहाँ पर आपको FHD डिस्प्ले मिल जाती है, AMD का यहाँ पर ग्राफिक कार्ड आपको मिल जाएगा, Wi-Fi 6 है, Bluetooth 5 है, बैकलाइट कीबोर्ड है और 1.6 kg यहाँ पर आपको वेट है। तो ये जो लैपटॉप है गेमिंग पर्पस के लिए नहीं है, बट अगर आपको एक ऐसा लैपटॉप देखना है जो आप ऑफिस पर्पस के लिए यूज़ करना चाहो, मल्टीटास्किंग जिसमें करना चाहो, फोटोशॉप करना है, या फिर अगर आपका कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जो CPU बेस्ड है यानी जहाँ पर आपको CPU की पावर ज़्यादा चाहिए, तो इस लैपटॉप को आप देख सकते हो। तो इसमें जो 8 कोर 16 थ्रेड वाला जो राइजन 7 का प्रोसेसर लगा हुआ काफ़ी अच्छी जो आपको पावर दे देगा। तो बाकी डिज़ाइन और बिल्ड भी यहाँ पर बात करें तो काफ़ी अच्छी है इस लैपटॉप की, ज़्यादातर जो MSI के लैपटॉप है लगभग काफ़ी अच्छे डिज़ाइन के साथ आते हैं, तो इस लैपटॉप को जरूर से देखना अगर आपका एक मल्टीटास्किंग के लिए लैपटॉप बाय करने की सोच रहे हो, ऐसे लैपटॉप जिसमें आपको CPU की ज़्यादा पावर की नीड है, तो इस लैपटॉप को आप जरूर से देख सकते हो। तो अगर आपको बजट है 50,000 रुपये का और एक गेमिंग लैपटॉप आपको देखना है तो MSI Bravo 15 आप देख लेना, काफ़ी अच्छा लैपटॉप 50,000 के आसपास आपको मिल जाता है। इसमें आपको जो है AMD Ryzen 5 प्रोसेसर मिल जाता है जो कि 5000 सीरीज का है, 6 कोर 12 थ्रेड आपको टोटल से मिल जाते हैं। बाकी स्पेस की बात करें तो 8 GB रैम है, 512 GB की SSD है, 15.6 इंच की यहाँ पर आपको FHD डिस्प्ले मिल जाएगी जो कि आपको 144Hz रिफ्रेश रेट के साथ मिलती है। इसके अलावा आपको यहाँ पर जो है डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड भी मिल जाता है, AMD का रेडियन RX 5500M, Wi-Fi 6 मिल जाता है, Bluetooth 5 मिल जाता है, बैकलाइट यहाँ पर कीबोर्ड मिल जाता है और वेट की अगर इसकी बात करें तो 2.36 kg का टोटल वेट है। तो गेमिंग पर्पज़ के लिए काफ़ी यहाँ पर अच्छा लैपटॉप है, लो टू मीडियम सेटिंग में आपको 60 FPS की अगर गेमिंग करनी है तो आसानी से लैपटॉप में कर सकते हो। अगला जो यहाँ पर लैपटॉप, ये काफ़ी पॉपुलर लैपटॉप है, अराउंड जो है 50,000 के आसपास ही मिलता है, GF63, इसको आप देख सकते हो, i5 11 जनरेशन का यहाँ पर आपको प्रोसेसर मिल जाता है, 6 कोर 12 थ्रेड यहाँ पर भी आपको मिल जाते हैं और बाकी अगर बात करें तो 8 GB रैम है, 512 GB की SSD है, डेडिकेटेड यहाँ पर आपको ग्राफिक कार्ड मिल जाता है, GTX 1650, Wi-Fi 6 है, बैकलाइट कीबोर्ड है और इसकी वेट की अगर बात करें तो 1.86 kg का है टोटल वेट आपको मिल जाता है। तो लगभग सिमिलरली लैपटॉप है, अगर आप Bravo देखोगे तो ये भी अराउंड 50,000 के आसपास है और GF63 भी अराउंड जो है 50,000 के आसपास ही है। तो अगर आपको Ryzen में लेना है तो Bravo 15 आपको मिल जाएगा और GF63 आप Intel में भी ले सकते हो, 11 जनरेशन है। प्रोसेसर की यहाँ पर बात करें तो लगभग सेम ही प्रोसेसर है, दोनों में 6 कोर 12 थ्रेड वाला प्रोसेसर है। बाकी अगर ग्राफिक कार्ड की भी बात करें तो लगभग जो है, अगर आप NVIDIA की बात करें या AMD वाले की बात करें तो लगभग आपको सिमिलरली जो है ये परफॉर्मेंस दे देंगे। बाकी आप एक कंपैरिजन देख लेना, जो ग्राफिक कार्ड आपको बेस्ट लग रहा है इनमें से उस वाले लैपटॉप को आप चूज कर सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं इस लिस्ट की सबसे लास्ट और सबसे बेस्ट लैपटॉप की। अगर आपका बजट 70,000 के आसपास है तो MSI Katana GF66 जरूर से आप देख लेना, i5 12 जनरेशन के साथ ये आपको मिल जाता है। और बात करें इसकी कोर की तो 8 कोर इसमें मिल जाते हैं और
12 जनरेशन का जो आपको पता है इंटेल वाला ई कोर पी कोर का सिस्टम है, तो काफी अच्छा जो है आपको परफॉर्मेंस ये लैपटॉप दे देगा। इसके अलावा इस लैपटॉप की जो सबसे बेस्ट पार्ट है वो है इसका ग्राफिक कार्ड RTX 3050 आपको यहाँ पर मिल जाता है 4GB का, जो इस प्राइस रेंज में और कोई भी कंपनी आपको नहीं देगी। बाकी स्पेक्स अगर आप देखोगे तो 8GB रैम है, 512GB की SSD है, FHD यहाँ पर आपको डिस्प्ले मिल जाती है, 144Hz रिफ्रेश रेट है, वाईफाई 6 है, ब्लूटूथ 5 है, बैकलाइट कीबोर्ड है, और वेट की यहाँ पर बात करें तो 2.25 kg का यहाँ पर टोटल आपको वेट मिल जाता है। तो आप चाहे गेमिंग के लिए बाय करें इस लैपटॉप को, चाहे आप जो है वीडियो एडिटिंग के लिए बाय करें, सारे काम इसमें आसानी से हो जाएंगे क्योंकि इसमें आपको RTX का 3050 ग्राफिक कार्ड मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी आपको जो है परफॉर्मेंस दे देता है। तो अगर अदर कंपनी की बात करें तो 70,000 में आपको RTX 3050 यहाँ पर ग्राफिक कार्ड नहीं मिलने वाला। तो इसके अलावा भी आप देखोगे तो i5 है, 12 जनरेशन है, डिस्प्ले भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है 144Hz की, तो गेमिंग के लिए काफ़ी अच्छी ये डिस्प्ले जो बन जाती है। तो अगर आपको बजट 70,000 है इस लैपटॉप को एक बार जरूर से चेक करना। तो आप आसानी से जो है कंपेयर कर सकते हो, हमने Asus Acer के ऊपर भी वीडियो बनाई है, वहाँ पर भी 70,000 के लैपटॉप है, तो उन्हें आप कंपेयर कर सकते हो जो बेस्ट है। यहाँ पर इसको भी कंपेयर कर सकते हो जो आपको बेस्ट लगे, जैसे मैंने आपको बताया आप अपने यूज़ के अकॉर्डिंग देखना। अगर आप स्टूडेंट हो तो एक बजट वाला लैपटॉप ले लो, गेमिंग करनी वीडियो एडिटिंग करनी तो ग्राफिक कार्ड आपको देखना होता है। तो बस ये थी आज की हमारी वीडियो, आई होप आपको ये वाली वीडियो भी पसंद आएगी। ये जो सीरीज है हम हर कंपनी के ऊपर देख रहे हैं 70,000 के आसपास जो जनरली हमारा बजट होता है, तो इस बजट में कौन सी कंपनी के अंदर कौन से लैपटॉप है, तो आपको कंपेयर करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। आगे भी वीडियो आने वाली है तो उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर दो, और बहुत सारी कंपनी अभी जिसकी बारे में हम देखेंगे, लैपटॉप निकालेंगे और वीडियो बनाएंगे और इसी तरह जो है आपके लिए कंटेंट लाते रहेंगे। तो आई होप ये वीडियो पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।